इस पर आपका ध्यान क्यों नहीं गया? एंड देयर इज वन मोर पॉइंट आई वांट टू आस्क टू आवर मिस्टर प्राइम मिनिस्टर सर, हाउ मेनी लाइक सेंटर्स यू हैव गॉट रेडी फॉर अस फॉर द COVID-19 टेस्टिंग सेंटर? हाउ मेनी सेंटर्स आर देयर इन इंडिया ऑल ओवर? आई थिंक ओनली 118 आई गेस. और इतने 135 करोड़ में सिर्फ 118 टेस्टिंग सेंटर्स आपने रेडी किए हैं, उससे क्या होगा? हमें आंकड़े पता ही नहीं चलेंगे. इसका रिजल्ट क्या होगा कि सीधे मौतें होंगी. मैं आपको अपने बिहार के बारे में बता रही हूँ, यहाँ पे 38 जिले हैं जहाँ पे सिर्फ 3 सेंटर हैं COVID-19 टेस्ट करने के लिए. अभी हमारे यहाँ कुछ बाहर से मजदूर आए थे, उसमें से 2 की डेथ हो गई, सीधा डेथ, और उनकी COVID-19 टेस्ट बिना किए उनको दफना दिया गया. ये कह के कि अब तो ये मर ही गया, अब क्या करना, क्योंकि टेस्ट करने के लिए पटना भेजना होगा. और उसके बाद ना गाड़ियाँ चल रही हैं ना कुछ चल रही हैं, और बाहर निकलने से पुलिस मार रही है. क्या मीडिया का इस पर ध्यान नहीं जाता? आज सुबह की बात बता रही हूँ, मैंने एक ऐसी तस्वीर देखी जिसमें कि एक महिला ने आत्महत्या कर ली फांसी लटक के, और उसके बच्चे, वो जो खाने की हांडी होती है ना, उसके अंदर आधा घुसा हुआ उसका शरीर है बच्चे का, जैसे कि खाना ढूंढने के लिए, खाना भूख के इंतजार में वो बच्चा. क्या इन चीज़ों पर मीडिया का ध्यान नहीं जाता? ये कैसा लॉकडाउन आपने किया है? और जहाँ तक बात है तबलीगी जमात की, अभी इसके बारे में मैं देख रही हूँ मीडिया बिल्कुल एकदम जैसे उनके पास और कुछ है ही नहीं, उनको रामबाण मिल गया हो, और तबलीगी जमात को लेके वो बिल्कुल बोले जा रहे हैं और इतनी ज़्यादा नफरत फैला रहे हैं कि मैंने क्या बोला कि अब बस इतना ही बाकी है कि हम सभी रोड पर निकल जाएँ और तलवारें लेके एक दूसरे को काट डालें, बस यही बच गया है. मेरा ये कहना है कि क्या कोरोना वायरस को आप ये समझते कि उसका कोई धर्म है? वो ना कोरोना वायरस ना हिंदू है ना मुसलमान है. प्लीज़ इस पर तो आप लोग, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ मीडिया से कि इसको आप लोग धर्म से ना जोड़ें. जो जर्मनी में और जो इंग्लैंड में और जो भी स्पेन में या इटली में, क्या तबलीगी जमात गए थे कोरोना फैलाने के लिए? चाइना में क्या तबलीगी जमात गए थे कोरोना फैलाने के लिए? फिर ये आपने क्यों सोच रखा है कि इंडिया में कोरोना वायरस को तबलीगी जमात ही फैला रही है? उन्होंने तो अपने होने की इन्फॉर्मेशन वहाँ के SHO को दी थी ना, खुद जा करके उन्होंने बताया कि हम लोग इतने लोग यहाँ फंसे हुए हैं. मुझे बताइए कि 8 बजे रात को लॉकडाउन होता है तो जो लोग जहाँ पर हैं, किसी धर्मशाला में रुके हैं, या जैसे हम हिंदू समझेंगे कि वो धर्मशाला है, वो वैसे ही वो उनका हॉस्टल है, तो जो जहाँ पे रुके हैं वो तो वहीं पे रह जाएंगे ना. 8 बजे आपने घोषणा की कि लॉकडाउन 12 बजे से शुरू हो रहा है, तो वो लोग फंस गए वहाँ पर. और उन्होंने बाकायदा जिम्मेदार के साथ अपना आके बताया भी है कि हम इतने लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं. तो ये क्या सोचना है कि अब तबलीगी जमात ये ऐसा कर रही है वैसा कर रही है, क्यों छुपे रहेंगे? ये इसको धर्म से आप बिल्कुल ना जोड़ें, और ये बहुत ही गलत पहलू है मीडिया का, इसको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ किस तरह से आप लोग ना करें. इस ये बहुत ही